हेलो फ्रेंड्स, आर्मी भर्ती में किस उम्मीदवार के अंदर क्या दक्षता होनी चाहिए और मेडिकल टेस्ट के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या फिटनेस होनी चाहिए और क्या देखा जाता है, आज इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ राकेश प्रजापति और आप देख रहे हैं आर्मी कंपटीशन। दोस्तों, जो लोग भी भर्ती ट्राई करते हैं या आर्मी की भर्ती देखना चाहते हैं, उसके लिए ये कुछ बातें जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। जीडी भर्ती के लिए मैट्रिक पास होना ज़रूरी है, जिसमें कि हर सब्जेक्ट में 33% और टोटल 45% मार्क्स होने चाहिए। 17.5 से 21 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। और हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर चेस्ट, 77 और 5 सेंटीमीटर फुला के। अब बात करते हैं रेस की। 5 मिनट और 30 सेकंड ग्रुप वन और 60 मार्क यानी कि फुल मार्क्स 5 मिनट 30 सेकंड में, 5 मिनट और 31 सेकंड यानी कि 30 सेकंड से ऊपर और 5 मिनट 45 सेकंड तक ग्रुप सेकंड 48 मार्क्स। पहाड़ी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए 1600 मीटर दौड़ के लिए एक्स्ट्रा टाइम इस प्रकार है। 5000 फीट से 9000 फीट के बीच 30 सेकंड अतिरिक्त और 9000 फीट से 12000 फीट के बीच 120 सेकंड अतिरिक्त, और इसके लिए उनके पास हिल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। पुलअप्स 10 या उससे अधिक 40 मार्क्स जो कि पूरे हैं, 9 पुलअप्स लगाने पर 33 और 8 लगाने पर 27 और 7 लगाने पर 21 और 6 लगाने पर 16। 9 फुट जंप में पास होना चाहिए और बैलेंस टेस्ट में भी पास होना चाहिए। आर्मी भर्ती मेडिकल के लिए कुछ सामान्य जानकारी। अभ्यर्थी को हड्डियों का रोग नहीं होना चाहिए। पैदल सेना के लिए सैनिक सामान्य ड्यूटी की नेत्र दृष्टि 6x6 होनी चाहिए। घुटने आपस में सटने नहीं चाहिए। फ्लैट फिट नहीं होना चाहिए। हाइड्रोसिल नहीं होना चाहिए। बवासीर जैसी बीमारी नहीं होनी चाहिए। एक अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से सुदृढ़ और उत्तम मानसिक स्वास्थ्य वाला होना चाहिए। छाती भली भांति विकसित एवं कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाने की क्षमता होनी चाहिए। दोनों कानों में सुनने की क्षमता सही होनी चाहिए और दोनों आँखों की रोशनी भी सही होनी चाहिए। अभ्यर्थी को प्रत्येक आँख से दूरी पर स्थित देखे जाने वाले चार्ट में 6x6 पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। मार्टिन लेंटर्स के द्वारा दर्शाए गए रंगों में सफ़ेद, लाल और हरे को सही से पहचानना आना चाहिए। अभ्यर्थी के कम से कम 14 दांत बिल्कुल स्वस्थ, कीड़े रहित होने चाहिए यानी कि 14 ऊपर 14 नीचे। मेडिकल आयोग उम्मीदवार पुनर्विचार। प्रारंभिक मेडिकल टेस्ट में आयोग पाए गए आवेदकों को पुनर्विचार के लिए संबंधित चिकित्सा विशेषज्ञ के पास सैनिक अस्पताल या कमांड अस्पताल या बेस हॉस्पिटल भेजा जाएगा। अभ्यर्थी को संबंधित हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट को 14 दिन के अंदर रिपोर्ट करना होगा। फिट कैंडिडेट को परीक्षा परिस पत्र सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त करना होगा। तो ये रही कुछ सामान्य जानकारी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।